अस्सलामु अलैकुम। तो जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना MGT 101 का टॉपिक नंबर 5 और 6, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जो बिजनेस एंटिटी होती है उसकी तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है 5 मेन हेड्स में। इन्हीं को ही हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 1 जौन सा है वो है एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो कंट्रोल में होती हैं एक एंटिटी के। लफ्जी मतलब इसका है जायदाद, असासे। जाहिर सी बात है जायदाद आपको एक माजी में कोई वाकया होगा जिससे आपको मिली होगी, तो ये उसका रिजल्ट है। और एंटिटी के लिए फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायबिलिटीज़। तो जी लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी, मतलब कि ये जिम्मेदारियाँ हैं एक इंसान की, और ये भी हमें किसी कोई माजी में हुए वाक़े से ही मिलेंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आउटफ्लो हो रिसोर्सेज का जो कि फ्यूचर में एक एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। इनकम सभी जानते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, पहला सवाल ही ये किया जाता है। तो इनकम वो अर्निंग है एंटिटी की जो वो अर्न करता है, कमाता है रेवेन्यू और गेन से। इनकम क्या करती है? इनकम इंक्रीज करती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, रिपोर्टिंग टाइम पीरियड। किस फॉर्म में? इन्हेंसमेंट ऑफ एसेट्स मतलब असासे बढ़ते हैं, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी जिम्मेदारियां कम होती हैं, जो कि रिजल्ट करता है इंक्रीज इन इक्विटी में, मतलब के इक्विटी को बढ़ाता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू उन्होंने आगे बताए हैं वो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जो एक्सपायर हो जाती है रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एंटिटी में। एक्सपेंस मतलब कि जो इनकम का मतलब होता है कि जो पैसे हमें आ रहे हैं, एक्सपेंस जो हम खुद से अपने पास से लगा रहे हैं। तो एक्सपेंस क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। किस फॉर्म में? कि जो एसेट्स हैं उनकी डिप्लीशन होगी, उनमें कमी आ जाएगी। इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज जो कि रिजल्ट करेगा किसमें? इक्विटी के डिक्रीज में। करंट ईयर रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को जरूर देखना चाहिए, इसमें होता क्या है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनर्स इक्विटी। तो लफ्जी मतलब इसका है मालिकान का हिस्सा। तो ऑनर्स इक्विटी को आप सिंपल इस तरह याद रखें कि जो टोटल वैल्यू है किसी भी कंपनी के एसेट्स की, मतलब उसके असासों की, जो कि क्लेम कर सकते हैं उसके ऑनर्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो वो हमारा होगा ऑनर्स इक्विटी। इसकी आप एग्जाम्पल यूं लें कि आपने एक फ्लैट लिया है जिसकी कीमत है जी 20 लाख, तो उसके लिए आपने 15 लाख लोन ले लिए उस फ्लैट के लिए, तो जो 5 लाख है वो इक्विटी है। इक्विटी मतलब हिस्सा। तो अगर आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो जी ऑनर्स इक्विटी सोर्स है फाइनेंस का, पैसों का, जो रिप्रेजेंट करता है ऑनर स्टेक, मतलब के जो एक मालिक दाव पे लगा देता है इन द एंटिटी। इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिड्यूसिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। वही बात हो गई कि आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकाल देनी है, तो जो हो बाकी वैल्यू होगी वो इक्विटी होगी हमारी। कंपोनेंट्स ऑफ ऑनर्स इक्विटी आर, अब इन्होंने कंपोनेंट्स बता दिए कि ऑनर्स इक्विटी के क्या होंगे। तो जी नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस, यानी जो सरमाया है। प्रॉफिट जनरेटेड बाय द एंटिटी, यानी कि जो आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द ऑनर्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब जो डिविडेंड्स हैं, जो पैसा निकल गया। नेक्स्ट जी एंटिटी है। तो एंटिटी क्या है? ये एक एक्टिविटी है जो कि अंडरटेकन मतलब शुरू की जाती है ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों से किसी मकसद के लिए, जो प्रॉफिट हो सकता है या नॉन प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है जी पर्पस। तो प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट मोटिव में बिजनेस आता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि शुरू की जाती है ताकि मुनाफा हासिल हो सके। बिजनेस की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली है। इट इज इनिशियली फाइनेंस्ड बाय ऑनर्स, शुरू में तो जो ऑनर्स हैं वही पैसे वगैरह लगाते हैं, और जो रिस्क होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो ऑनर को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट मोटिव वेलफेयर सोसाइटी। वेलफेयर सोसाइटी में क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है
हैं जो कि कुछ वॉलंटियर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है कि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके इससे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन प्रॉफिट मोटिव एंटिटीज। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों में ही होगी, देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इससे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी जरूरत होती है बिजनेस के लिए एज वेल एज वेलफेयर सोसाइटी और वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी। नेक्स्ट है जी, ये लास्ट है हमारा आज के लिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि जो एक बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी है, और जो उसका ऑनर है, ये दो डिफरेंट लोग होते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस के पास सेपरेट एंटिटी होती है उसके ऑनर से। अकाउंटिंग के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चाहिए कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करें तो आप फोकस करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर, अपने आप को एज अ अकाउंटेंट कंसीडर करते हुए, अपने आप को एज अ ऑनर कंसीडर मत करें किसी भी बिजनेस का। तो जो ऑनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे फूड, मशीन्स, क्लोथिंग, हाउस रेंट एक्सेट्रा, विच आर पेड बाय द ऑनर फ्रॉम हिज हर ऑन रिसोर्सेज, जो वो अपने पास से देता है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बिलोंग नहीं करती है। जब तक के जो ऑनर के बिहाफ पे हम बिजनेस के कैश रिसोर्सेज जो उनसे हैं उसमें से वो पे ना करें। तो ये हो गया हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एक छोटी सी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है प्रैक्टिस हमारी। और बताना ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अकाउंट होगी एक बिजनेस या एंटिटी की अकाउंटिंग बुक्स के लिए। नंबर वन है कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस बाय द ऑनर। के एक ऑनर है, वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है सरमाए के तौर पर किसी बिजनेस के लिए, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा कैश एसेट उसका और ऑनर्स इक्विटी ऑफ द बिजनेस। तो ये इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहा है। नंबर सेकेंड पॉइंट है ऑनर बॉट मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज आउट ऑफ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। वो जी एक ऑनर है जिसने कार ली है अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन पर। नंबर थर्ड पॉइंट है जी ऑनर यूज्ड अ पार्ट ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द बिजनेस गोदाम फॉर विच ही वॉज पेड रेंट आउट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट। मतलब कि जहाँ पे वो रहता है उसने उस जगह का थोड़ा सा हिस्सा अपने बिजनेस के गोदाम के लिए इस्तेमाल किया और उस जगह का ये जो रेंट है वो अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से दे रहा है, तो विल डेफिनेटली इफेक्ट द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनर टू लोन फॉर हिज डॉटर्स मैरिज फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। गुड्स बॉट बाय बिजनेस फॉर ट्रेडिंग वर कंज्यूम्ड बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल कंजप्शन। जो चीजें हैं वो खरीदी हैं बिजनेस से ट्रेडिंग के लिए, तजारत के लिए, वो कंज्यूम की हैं जी ऑनर ने अपनी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये डिक्रीज करेगा स्टॉक बैलेंस ऑफ द बिजनेस। होपफुली जी आज के दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।